हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएससी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो है आपका परिवहन विभाग का जो है फॉर्म आ चुका है, जिसमें आपका ड्राइवर की एंड कंडक्टर की भर्ती निकाली गई है। 7,404 पदों पर जो है आपकी मतलब वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे आपको अप्लाई करना है और कहां से आपको ऑनलाइन करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप GSRTC कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन ड्राइवर। दोस्तों, यहां पर ड्राइवर की एंड कंडक्टर की पोस्ट निकाली गई है गुजरात में। तो आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, जब भी आपको पता चल पाएगा फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है और कौन सी वैकेंसी कितने में कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। ड्राइवर में एंड कंडक्टर में अलग अलग आपको बताऊंगा। अभी स्टार्ट करने से पहले अभी अभी आप उनको क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने भाई और फ्रेंड के साथ, क्योंकि उन्हें भी पता चल सके कि जो है वैकेंसी निकाल दी गई है और कैसे आपको ऑनलाइन एंड अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। अभी थोड़ी इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई दिया। नीचे आएंगे आप और नीचे आने बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो इसकी स्टार्टिंग डेट हुई है 7 अगस्त स्टार्टिंग हुई है और लास्ट डेट जो रखी गई है 6 सितंबर रखी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट की डेट की बात करें तो 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में आप जो है इसमें अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस 2,300 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। चार्ज फॉर अदर्स के 69 रुपये अलग से लगेंगे। 18,500 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी इसमें, और 18 से 34 साल आपकी उम्र दे रखी है कंडक्टर वाले में। और अगर ड्राइवर की बात करें तो 21 से 34 साल की आपकी उम्र मांगी गई है। कंडक्टर में अलग है 18 से 34 है और ड्राइवर में आपकी 21 से 34 है। तो दे सकते हैं दोस्तों दोनों की, आप दे सकें कंडक्टर की एंड ड्राइवर की। अभी मेल मेल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 34 साल आपको दे रखी है। अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आप फीमेल की देख सकते हैं 18 से 34, यहाँ पे भी दे रखी है 34 प्लस है आपकी, सॉरी यहाँ पे भी मेल वालों की 34 प्लस है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अलग स्टेट उससे आते हैं तो जब भी आपकी 18 से 39 यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबकी अलग अलग उम्र यहाँ पे दे रखी है। एक्स सर्विस मैन वालों की भी अलग है, सबकी अलग अलग उम्र दे रखी है। हैंडीकैप्स की दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबकी अलग अलग दे रखी है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात का आपका इसका लोकेशन रहेगा अगर आपकी नौकरी लगती है इसमें। अभी आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको सारा मैंने बता दिया। नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ड्राइवर की एंड कंडक्टर नोटिफिकेशन आपको अलग अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूँ कैसे आपको ऑनलाइन करना है ये फॉर्म। इस वाली वेबसाइट पर आएंगे आप, ऑनलाइन जॉब्स एप्लीकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला सेलेक्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है तो आपको सेलेक्ट करना है दूसरे वाला GSRTC, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। आपके सामने दो वैकेंसी आ जाएगी, एक ड्राइवर वाली और एक कंडक्टर वाली। आप देख सकते हैं अप्लाई दोनों के ऊपर अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल लेनी है तो यहाँ से आप डिटेल पर आकर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको जौन सा भी फॉर्म इनमें से ऑनलाइन करना है, कंडक्टर का करना है, ड्राइवर का करना है, उसी के सामने आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं आपको जो है ड्राइवर की आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो ड्राइवर पर आपको अप्लाई कर देना है। प्रोसेस सबका सेम है, भरने का प्रोसेस सबका सेम है, आप बस समझ लीजिए कैसे कैसे आपको फॉर्म का ऑनलाइन करना है। कंडक्टर का भी ऐसे ही भरा जाएगा जैसे ये आपका ड्राइवर का भरा जाएगा।
अब आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद नीचे आना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल चुका है, ये आपको जो है बारी बारी से सारा भर लेना है। तो मैं आपको भर के और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको भरना है ये। और दोस्तों आप समझ लीजिए कैसे कैसे आपको डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल चुनना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो चुका है, पापा का नाम, मदर का नाम, जेंडर आपको चुनना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपकी मैरिड अनमैरिड है वो सेलेक्ट करेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। उसके बाद अपनी जाति, कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं एससी से फॉर्म को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एससी में यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है इसकी, तो एससी मैंने कर दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना है उसका, उसके बाद उसकी डेट ऑफ इशू, उसके बाद कौन सी जो है आपका कहाँ से है आप, ये आप डालेंगे स्टेट का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आपका जारी हुआ है। उसके बाद आपको गुजरात का यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, विलेज गगोल, मतलब कि जो भी आपका गांव लगता है या पोस्ट ऑफिस लगता है वो आप डाल देंगे। उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तुल का जो लगता है आपका पटना गुजरात में, उसके बाद पिन कोड जो लगता है आपका, उसके बाद मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। फिर आपके पास इस अगर आपका ये परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप एक जैसे डाल देंगे, नहीं तो आप अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको इस तरह से भी इधर भी डाल देना है अपना एड्रेस। उसके बाद ईमेल आईडी देनी है, दोबारा से ईमेल आईडी, नीचे आएगा नेशनलिटी इंडियन चुनेंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो करेंगे आप, जो भी आपको लगता है वो आप देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तो आप पे जो भी आती है उस पर आप टिक कर देंगे, बोलना, लिखना, पढ़ना, और जिस पर नहीं आती है उसे आप छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएगा फ़ोटो का साइज़, आपका 15 KB के कम होना चाहिए, 5 KB से 15 KB के बीच आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और साइन आपका जो होना चाहिए वो भी आपका 5 KB से जो है 15 KB के बीच होना चाहिए। जब आप फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा फिर आपको लॉगिन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपने फॉर्म भरते हुए डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको अप्लाई विद OTR पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आने बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपनी डालनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो है लैंग्वेज तो आपको मैंने बताई थी जो भी आपको आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन से क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, इंटर की डिटेल डालनी है, आपको देख सकते हैं इंटर की डिटेल आपको पहले ये सेलेक्ट करना है, HSSC, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड जो भी आपके वो डाल देंगे। उसके बाद आपका स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद आपका पासिंग ईयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस देना है। तो एक्सपीरियंस में आपको क्या डालना है, नाम और पोस्ट, किस पोस्ट, कौन से पोस्ट पर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, उसके बाद कितने से कितने तक का आपका एक्सपीरियंस है, डेट आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो पूछ रहा है यहाँ पर डाल देंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयड एड्रेस, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद मंथली सैलरी क्या थी वो आप सारा डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर RTO का या HPC या HTB भी लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसकी डेट, उसके बाद वैलिडिटी कब तक है उसकी, और ये सारा कुछ आपको डाल देना है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों वह एक बार फॉर्म भरने के बाद आप सारा कुछ देखने के बाद अब आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से जारी हो जाएगा जैसे आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है, उसके बाद वो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है।
कंफर्म में क्लिक करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आने के बाद आपकी डिटेल दिखा दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कन्फर्म एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। अभी आपको प्रिंट चलान पर आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट चलान पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर लिख रहा है चलान नॉट फाउंड। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है पेमेंट, तो आपको यहाँ पर जाना है अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे फीस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, GSRTC ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म नंबर डालना है, और नंबर डालने उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आई थी आपकी वो डालना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन पे एंड फीस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका नाम वगैरह सारा कुछ दिखा दिया जाएगा यहाँ पर, कंफर्म एप्लीकेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, कास्ट, सारा कुछ दिखा दिया गया है। अब आपको नीचे आना है, एक बार आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे सबमिट आप करेंगे तो एरर अभी आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबमिट पर करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जिसे भी आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पेमेंट करने में, बस आपको सबमिट पर क्लिक करना है, पेमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने आपको बताया जो है गुजरात में जो है दोस्तों यहाँ पर निकाली गई है वैकेंसी, तो अगर गुजरात में जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है आपकी ड्राइवर की एंड कंडक्टर की, आप देख सकते हैं, तो फॉर्म भर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं कंडक्टर की या ड्राइवर की, जो भी आपको बनना है वो उस पोस्ट को आप अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन सभी विद्यार्थियों के पास जो यहाँ पर गुजरात के निवासी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।